पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के कलेक्टर परिसर का नजारा उस समय रोचक हो गया जब कई दर्जन महिलाओं ने पैसे न मिलने पर हंगामा किया। इन महिलाओं ने आरोप लगाया कि सपा बसपा गठबंधन उम्मीदवार एसटी हसन के नामांकन जुलूस में भीड़ बढ़ाने के लिए गोविंद नगर और दूसरे इलाकों से विशेष रूप से महिलाओं को 300 रुपए का लालच देकर उन्हें बुलाया गया। कई दर्जन महिलाओं का कलेक्टर परिसर में हंगामा। मुरादाबाद लोकसभा सीट से गठबंधन के लिए प्रत्याशी हैं एसटी हसन। नामांकन के अंतिम चरण में आज सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार एसटी हसन पूरे लाभ लक्सर के साथ नामांकन कराने के लिए निकले। इनके साथ पूर्व विधायक सहित कई पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ मौजूद थी। सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी एसटी हसन 2-3 किलोमीटर तक एक गाड़ी के ऊपर बैठकर एक जुलूस के साथ कलेक्टर की तरफ निकले। बीच रास्ते में उनके कार्यकर्ता पटाखे छोड़कर आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे थे। वहीं रास्ते में उम्मीदवार की तरफ से खाने पीने की भी भरपूर व्यवस्था की गई थी जो पूरी तरह से आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। 2 घंटे तक शहर के ट्रैफिक को तहस नहस करते हुए भीड़ के साथ कलेक्टर पहुंचे तो सपा बसपा के कार्यकर्ताओं ने गेट पर पहुंचकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। उम्मीदवार अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन कराने के लिए चले गए और कुछ देर बाद वह अपना नामांकन करा भी चले गए, लेकिन उसके बाद कलेक्टर परिसर में जो हुआ उसने सपा बसपा प्रत्याशी की पोल खोल कर रखी, क्योंकि दर्जनों महिलाएं हंगामा कर रही थी। इन महिलाओं का कहना था कि उन्हें एसटी हसन की रैली में 300 रुपए देने का वादा करके लाया गया था और अब रैली भी निपट गई, उन्हें कोई पैसा नहीं दिया गया। महिलाओं के इस आरोप ने सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार को आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में ला दिया है। मुद्दे हमने जानना चाहे किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना जा रहे हैं और क्या क्या अगर सांसद आप बनते हैं क्या मुरादाबाद में परिवर्तन होने वाला है? देखिए, चुनावी मुद्दे मैंने आपको बताया, विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, खासतौर से यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द का मुद्दा है। वो तो मुरादाबाद का ही नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। इन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अभी जो टिकट को लेकर एक बहुत बड़ी सियासत भी हुई थी और इससे पहले आपको किसी और को टिकट हुआ, फिर आपको टिकट हुआ, उससे निपटने के लिए क्या कोई खास तैयारी है? देखिए, ये तो हमारे शीर्ष नेताओं का काम है कि वो किसको टिकट देते हैं और किसको नहीं देते हैं, उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है, ये फैसले उनके हैं। देखिए, जो हमारी जनता में जोश आपने देखा है उसके हिसाब से तो हमारा मुकाबला तो किसी से नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा दूसरे नंबर का मुकाबला है। और हम ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस राज में मुसलमान भाई, हिंदू भाई और ख़ास तौर से दलित भाइयों के ऊपर जो जुल्म तशद्दुद हुआ है, इसलिए तमाम लोगों का जोश आए आपने हमारे नामांकन के जुलूस के अंदर भी देखा होगा। आपकी इंतखाबी मुहिम के दौरान किन किन स्टार प्रचारकों के आने की उम्मीद है या आपने डिमांड की है? हमारी पार्टी के बड़े नेता यहाँ तशरीफ लाएंगे, जैसे मोहम्मद आजम खान साहब, जैसे अखिलेश यादव जी, बहन कुमारी मायावती जी और जो भी बड़े हमारे इन्फ्लुएंशियल नेता लोग हैं वो यहाँ पे तशरीफ लाएंगे। देखिए, चुनावी मुद्दे आपके सामने आप सब लोग जानते हैं, विकास का मुद्दा है, विकास का सबसे बड़ा